नमस्कार, आप देख रहे हैं तरकश। मैं हूं आपके साथ शिखा। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर दिल्ली सरकार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कन्हैया कुमार ने भी मुकदमे के मंजूरी के समय पर सवाल उठाया है, तो आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर अरविंद केजरीवाल को क्यों आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय काफी समय से विवादों में है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, वह JNU को राष्ट्र विरोधियों का अड्डा बताता जा रहा है। इसी दरमियान 2016 में JNU कैंपस में रात के वक्त एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, क्योंकि उस वक्त कन्हैया कुमार ही छात्र संघ के अध्यक्ष थे। इस कारण सरकार ने सारा इल्जाम उनके सर मर दिया। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिब और अनिवार्य भट्टाचार्य सहित अन्य छात्रों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इन सभी पर आरोप है कि 9 फरवरी 2016 को परिसर में हुए एक कार्यक्रम में इन्होंने एक जुलूस की अगुवाई की और देशद्रोही के नारे लगाए। भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने साल भर पहले कन्हैया कुमार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल 18 सितंबर को दिल्ली सरकार से एक महीने के अंदर कन्हैया और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला देने को कहा, लेकिन तब केजरीवाल सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार को अपना रुख क्यों बदलना पड़ा। कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राजनीति से हार नहीं मान रहे हैं। वह बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वह सत्तारूढ़ BJP और JDU के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार कन्हैया को देशद्रोह के मुकदमे में उलझाकर अपना रास्ता साफ करना चाहता है और केजरीवाल मुकदमे को मंजूरी देने के बाद दिल्ली में अपना राज सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।